हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अशोक लेलैंड की गाड़ियां फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले गाड़ी के पुर्जों को मशीनों की सहायता से बनाई जाती है, उसके बाद इसको सभी को जोड़ा जाता है। गाड़ी में वेल्डिंग का काम रोबोटिक मशीनों द्वारा किया जाता है। उसके बाद इस गाड़ी की अच्छी तरह से चेकिंग होती है कि सही है या नहीं। उसके बाद इस गाड़ी की पेंटिंग होती है। गाड़ी में पेंटिंग का काम पूरा हो जाने के बाद गाड़ी का जो इंजन है उसको अच्छी तरह से फिट किया जाता है। इंजन के बाद बारी आती है चेचिस की, तो चेचिस में लगने वाले सभी पार्ट्स को आदमियों की सहायता से अच्छी तरह से फिट किया जाता है। चेचिस में सभी पार्ट्स जोड़ने के बाद बारी आती है इसके इंजन की, तो इंजन को अच्छी तरह से फिट किया जाता है। चेचिस में इंजन और सभी पार्ट्स को फिट करने के बाद गाड़ी का जो ऊपर का भाग होता है उसको ऊपर से फिट किया जाता है। उसके बाद इसमें अच्छी तरह से वायरिंग की जाती है। सभी काम हो जाने के बाद इसमें गाड़ी के जो पहिए होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। इस तरह से गाड़ी पूरी तरह तैयार हो जाती है। उसके बाद इस गाड़ी की टेस्टिंग की जाती है।